ते पंजाब दे लोकपाल वलो आम आदमी पार्टी दी विधायक नू कारण दसो नोटिस जारी किया गया। अमनदीप कौर अरोड़ा जिहड़े मोगा तो आम आदमी पार्टी दे विधायक ने उन्हां नू ये नोटिस जारी होया है। विधायक ते तीन परिवारिक मैंबरां नू ये नोटिस भेजा गया। सरकारी जमीना ते कब्जा करन दे इल्जाम ने दरअसल एक शख्स वलों शिकायत की गई सी और उस शिकायतकर्ता ने खुद नू विधायक दा करीबी दस्या सी, जदों कि विधायक डॉक्टर अमनदीप कौर अरोड़ा वालों ये इल्जाम नकारे गए ने और उन्होंने शिकायतकर्ता के करीबी होने की गल नू सिरे तो खारिज किया। उन्होंने कहा कि मैं शिकायतकर्ता के खिलाफ पहला ही शिकायत दर्ज करवाई हुई है। सो मोगा तो विधायक ने डॉक्टर अमनदीप कौर अरोड़ा जिन्हों के खिलाफ शिकायत लोकपाल नू दित्ती गई सी, जिस तों बाद लोकपाल वालों विधायक नू नोटिस भेजा गया। ते मंत्री अमन अरोड़ा ने सुनाम कोर्ट के फैसले नू उच्च अदालत चुनौती दी है। सुनाम कोर्ट के फैसले नू संगरूर कोर्ट के चुनौती दी गई है। दरअसल दो साल की सज़ा अमन अरोड़ा नू सुनाम कोर्ट ने सुनाई सी ते हुण उसके खिलाफ अमन अरोड़ा ने सुप्रीम जिहड़ा संगरूर कोर्ट के अर्जी पाई है। सुनाम कोर्ट ने 15 साल पुराने मामले के अमन अरोड़ा नू सज़ा सुनाई सी। एक घरेलू झगड़े का यह मामला सी और अमन अरोड़ा समेत 9 लोगों नू 2 साल की सज़ा हुई सी। अमन अरोड़ा का अपने रिश्तेदारां नाल प्रॉपर्टी नू लैके विवाद चल रहा सी। दोनों धिरां ने सुनाम कोर्ट च पहुँच की सी। अमन अरोड़ा नू 2 साल की सज़ा हुई और हुण इस नू संगरूर कोर्ट दे विच चुनौती दित्ती गई। कन्विक्शन एंड सेंटेंस दा जिहड़ा हैगा उहदे नोट्स होया, शॉर्ट डेट 15/1/2024 लगी है। मैंने कल पहली अपील अमन अरोड़ा की पाई है। पहली अपील उही सी उस दिन पहला पई है, सब तो पहला अमन अरोड़ा की पई है। बाकियां दी जिवें भी है, वो बाकी कैंडीडेट बाकी जो अक्यूज ने अपने आप सोचन कि कदों पानी है नहीं पानी, उन्होंने सोचना क्योंकि मैं कल अमन अरोड़ा की अपील पाई है।